नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कई प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शिमला के रिज मैदान में हिम ईरा फूड कार्निवल का आयोजन किया गया है। अभी चीजें खाने को मिली, लेकिन आधे का तो हमें नाम ही नहीं पता है जो चीजें जहाँ पे हमें मिली है खाने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा ही हमें। यहाँ का बड़ा अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, 10 दिन का है और खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का, और कल्चर को बढ़ाने के लिए ये इन्होंने किया है, तो काफी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। इस कार्निवल में हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों को परोसे जा रहे हैं, जिसका शिमला घूमने आए पर्यटक भरपूर आनंद ले रहे हैं। बड़ी बात ये इसमें खास ये कि ये लोकल आटा है हमारा, जो हम खेत में तैयार करते हैं अनाज, हमारा ट्राइब का ये सबसे स्पेशल आटा है ओकला, और ये बहुत अच्छा स्पेशल टाइम में बनता है, जैसे कोई घर में गेस्ट आएंगे या बड़े बड़े त्यौहार होंगे तभी बनता है ये हमारा। इतना नॉर्मली हम नहीं खाते ज़्यादा इसको, पर ये है, फेमस है हमारा किन्नौर का। खासियत इसका ये है जी, ये हल्का होता है एक तो अनाज, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होगा, आपको डाइजेशन खराब नहीं होगा, क्योंकि ये आटा लोकल है। इतना खाओगे आपको और खाने का मन करेगा। ये ओगले का हमारा लोकल आटा है, और मतलब हमारा मेन ये बात है ना सर, इसका नाम ऊपर हम बोलते हैं कोया क्षेत्र, यहाँ पे है नमकीन जलेबी, तो खासियत इसका मेन यही है यहाँ पे कि नमकीन जलेबी से यहाँ फेमस होगी है सर। हाँ जी, नमकीन जलेबी। फूड कार्निवल में बिलासपुरी, मंडियाली, चंबियाली और कांगड़ा धाम के अलावा कई तरह के पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। प्रदेश के दुर्गम इलाकों में पाए जाने वाले व्यंजन भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फूड कार्निवल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए मंच प्रदान किया गया है। फूड कार्निवल का एक शुभारंभ किया है, जिसमें हम स्वयं सहायता सभी 12 जिलों से स्वयं सहायता समूह के की महिलाओं को उनके पारंपरिक जो हमारे हिमाचली व्यंजन है उनको परोसने का पर्यटकों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट सीजन भी रहता है, क्रिसमस टाइम भी है, न्यू ईयर ईव्स भी है, तो इस टाइम पे इनको एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये हमारी तरफ से एक नई पहल है जो हम चाहेंगे कि हम हर साल इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहें। फूड के अलावा हमने यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोडक्ट्स की भी एग्जीबिशन लगाई है, जो कि वो भी सभी 12 जिलों से हमने एकत्र किए हैं। तो ये हमारा इस साल पहली बार हमने ये पहल की है। शिमला में आयोजित किए जा रहे इस फूड कार्निवल में पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक उमड़ रहे हैं। 20 दिसंबर से शुरू हुआ ये कार्निवल 30 दिसंबर तक चलेगा।